खबर यूपी लाइव, आपकी खबर पेज ऐसा। बस्ती जिले के गगौवा पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार का सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव, यज्ञेश पांडे व शैलेश पांडे के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। रेप, बलात्कार, हत्याएं, पूरी तरीके से अराजकता का माहौल चारों तरफ फैला है। शासन पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। जो कर्मचारी जनता के पैसे से तनख्वाह पाती है वह जनता को रगड़ने व ठगने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार जोरों पर है, किसान परेशान है। वर्तमान समय में रोजगार 70 साल के सबसे निचले पायदान पर है, तो यह सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रही है। इस जनता की हर तकलीफ को अखिलेश यादव ने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम जैसे सिपाहियों को जिम्मेदारी दी है कि जाकर जिले में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनकर हम दर्दी दिखाएं, क्योंकि वर्तमान समय में हम उनकी समस्याओं को दूर करने की स्थिति में नहीं है। हम अखिलेश यादव की पिछली सरकार के विकास के कार्यों को लेकर लोगों के बीच जा रही है। अखिलेश यादव पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में पिछले 70 सालों में सबसे बेहतर रहे। वर्तमान समय में आम आदमी भयभीत है। पुलिस किसी का भी उठाकर एनकाउंटर कर रही है। सड़क पर माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर आम जनता में सरकार का कानून पर विश्वास लाना और जो यह कर्मचारी वर्ग है उनको यह बताना कि तुम जनता के नौकर हो, नौकर की तरह व्यवहार करें। जनता मालिक है, मालिक की तरह सम्मान दीजिए। में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचड़ है, इस पे आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह असफल है। कानून व्यवस्था का भी यहाँ बुरा हाल है। रेप, बलात्कार, हत्याएं, पूरी तरह अराजकता का माहौल है। शासन पे सरकार की कोई पकड़ नहीं है। जो कर्मचारी जनता के पैसे से जिनकी तनख्वाहें मिलती हैं, जो जनता के नौकर हैं, वो जनता को रगड़ने का, उनको चूसने का, ठगने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जोरों पे है, किसान बुरी तरह परेशान है। ऐसी स्थिति में जब रोजगार 70 साल की आज़ादी में सबसे निचले दर्जे पे है, तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रही है। इस आने वाले 1.5 साल बाद इस जनता की हर तकलीफ को माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम जैसे सिपाहियों को जिम्मेदारी दी है कि जाके जिले जिले में आम जनमानस से उनके दुख दर्द हम दूर करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े होकर हमदर्दी जरूर दिखा रहे हैं। 2022 में आपकी सरकार किस तरीके से क्षेत्र में जनता के बीच में आने के लिए तैयार है? माननीय अखिलेश यादव जी का जो विकास है, उनकी जो कार्यशैली रही है, आज पूरा प्रदेश कह रहा है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के जो 5 साल थे उत्तर प्रदेश के 70 साल में सबसे बेहतर 5 साल थे। हम लोग सबसे जो यहाँ पे ज्वलंत मुद्दाएं हैं, सबसे जो बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की है। आम आदमी यहाँ भयभीत है। पुलिस उठा के किसी का एनकाउंटर कर देती है, कहीं पे माँ बहन की इज्जत हमारी सुरक्षित नहीं है। पहला सरकार का काम है 22 में, जैसे ही माननीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी सरकार में अगर ये जनता हमें चुनके देती है, तो 24 घंटे के अंदर आम जनता का कानून पे विश्वास लाना और जो ये कर्मचारी वर्ग है इस राज्य का, उसको ये बताना कि तुम इस जनता के नौकर हो, नौकर की तरह व्यवहार करिए, जनता मालिक है, इसे मालिक की तरह सम्मान दीजिए। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में अस्पतालों की स्थितियां काफी बदहाल हैं और कोई कर्मचारी मरीजों की सुनने वाला नहीं है। लोग अस्पतालों में बदहाली का आलम झेल रहे हैं। उन्होंने सीधे सीएम को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वह अकेले आदमी है, उनके पास परिवार, बीवी, बच्चे तो है नहीं। उनके दर्द का एहसास उन्हें नहीं पता है, फिर आम आदमी का दर्द कैसे पता होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।